नमस्कार, आप सभी धर्म प्रेमी बंधुओं का आपके अपने चैनल मोरेश्वरी कृपा में स्वागत है। इस चैनल पर आपको पूजा पाठ संबंधी जानकारी प्रदान की जाएगी। सभी से सभी नए निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर अवश्य करें, वीडियो पसंद आने पर लाइक भी करें। आप कोई सलाह देना चाहते हैं अथवा आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। जय मोरेश्वरी बोल बम। बंधुओं, हमने पिछली कथा में सुना था कि वो तट पर किस प्रकार देवी के बाघ बीज मंत्र एम का अशुद्ध उच्चारण करने के बाद भी अनुस्वार रहित यानी कि एम बोलने के बजाय ए मात्र बोल देने भर से उसको देवी सिद्ध हो गई थी और उनकी कृपा प्राप्त हुई थी। वो निर्बुद्धि उत्तत यानी कि सतव्रत एक विद्वान की तरह, एक विद्वान की भांति विचारशील मननशील हो गया और उसके हृदय में जो सत्य बोलने की भावना थी उसका प्रभाव पड़ा। इसी क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। आप एक कथा और सुनिए, उसके बाद हम दोनों कथाओं में से निष्कर्ष निकालेंगे जिससे कि आपको भी स्पष्ट हो जाएगा कि मंत्र के गलत उच्चारण कर लेने से क्या होता है, क्या शक्ति दंड देती है अथवा क्षमा करती है। शक्ति जो कि माँ स्वरूप है, पिता स्वरूप है, वह हम पर क्या प्रभाव देती है। तो ये रामायण के समय की बात है, जब राम रावण युद्ध चल रहा था। श्री राम लक्ष्मण ने वानर सेनाओं के साथ मिलकर रावण के कई योद्धाओं को पराजित कर दिया। रावण को जब लगा कि मैं हार जाऊंगा, अब युद्ध जीतना संभव नहीं हो रहा है, तो उसने महाचंडी यज्ञ करने का सोचा। अपने बचे खुचे पुत्रों को बुलाकर उसने कहा कि जाओ और सभी आचार्य विद्वानों को निमंत्रण दे दो, उन्हें बुला लो और किसी भी भांति ये यज्ञ संपूर्ण हो जाना चाहिए। इधर श्री रामचंद्र जी ने भी नवरात्रि की नवदुर्गा की आराधना प्रारंभ कर दी थी, ये सूचना रावण को मिल चुकी थी। तो रावण ने सोचा कि ये तो वैसे ही विष्णु के अवतार हैं और सारा कुछ इन्होंने वैसे ही नष्ट कर दिया है, अब कुछ बचने को शेष तो है नहीं। और उस पर पे इन्होंने शक्ति की आराधना प्रारंभ कर दी है, तो मुझे भी बराबरी में आने के लिए महाचंडी यज्ञ तो करना पड़ेगा। उसने असुर परंपरा के अनुसार चंडी यज्ञ प्रारंभ करने की तैयारियां शुरू कर दी। एक गुप्तचर ने आकर के इधर हनुमान जी को खबर दी कि हे बजरंगबली, हे हनुमान, अब तो घोर संकट की स्थिति आने वाली है। सूचना लगी है कि रावण महाचंडी यज्ञ कर रहा है और वो सफल होते ही, क्योंकि वो आसुरी विद्या से करेगा, तो हो सकता है हमारे प्रभु राम को कष्ट हो और वे युद्ध को जीतने में बहुत अधिक विलंब हो जाए और उनका वापस 14 वर्ष पूर्ण होने से पहले अयोध्या पहुंचना मुश्किल हो जाए। ये युद्ध बहुत लंबा खिंच सकता है। उनके जीतने में तो हमें कोई संशय नहीं, परंतु विलंब बहुत हो जाएगा। हनुमान जी के विचार चल रहे थे दिमाग में कि क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्योंकि वो भरत जी से भी मिल चुके थे और भरत जी ने उन्हें कहा था कि अगर एक दिवस भी लेट हुए 14 वर्ष पूर्ण होने से तो मैं आत्मदाह कर लूँगा। हनुमान जी को बड़ी चिंता हुई कि राम जी के जीतने में मुझे कोई शंका संशय नहीं है, परंतु कहीं ऐसा ना हो कि इनकी लीला कुछ ज़्यादा लंबी हो जाए, युद्ध अधिक दिन चले और वहाँ कुछ अनर्थ हो जाए अयोध्या में। उन्होंने कहा कि इस यज्ञ को तो भंग करना ही पड़ेगा। सभी आचार्य विद्वान आए और वहाँ यज्ञ प्रारंभ हो गया। अब यज्ञ था तो जाहिर सी बात है कि जिस प्रकार श्री राम के दूत हैं हनुमान, उसी प्रकार सभी देवी की अगवानी भी हनुमान जी ही करते हैं, देवी के स्वरूपों की अगवानी भी
हनुमान जी करते हैं, लांगुर वीर जो है ध्वज लेकर आगे चलते हैं। देवी का आह्वान होगा तो हनुमान जी को तो वहाँ जाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसा क्या करूँ कि जिससे मेरे धर्म संकट ना आए, मैं वहाँ देवी के साथ भी उपस्थित रहूँ यज्ञ में और इधर श्री राम जी का काज भी हो जाए। खैर, बुद्धिमान चतुर विद्वान हनुमान जी को ऐसे ही नहीं कहा जाता। सो उन्होंने भी ब्राह्मण का भेष धारण किया और पहुंच गए वहाँ। जितने भी ऋषि मुनि थे उनकी सेवा में लग गए, क्योंकि ऋषि मुनियों का जो रहता है स्वभाव बड़ा विचित्र होता है, कब किसकी प्रसन्न सेवा से प्रसन्न हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। ये दौड़ दौड़ करके सेवा कर रहे हैं और दिमाग में ये चल रहा है कि मैं कोई उपाय कर लूँ, लेकिन उनमें से देवी कृपा हुई और निमित्त बने, क्योंकि देवी भी तो वरदान देना नहीं चाहती थी ना रावण को। तो उनमें से एक विद्वान ने कहा कि हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं, बोलो क्या वर मांगते हो। तो इन्होंने कहा, नहीं मैं कोई वर मांगने के लिए सेवा नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सेवा करने के लिए ही सेवा कर रहा हूँ। मैं तो इस यज्ञ में आया था सेवा करने के इरादे से, और मैं सबकी सेवा करना चाहता हूँ। आप सब विद्वान हैं, महापुरुष हैं, तो यज्ञ के जो आचार्य थे उन्होंने भी कहा, बोले कि ये बात तो है, आपने सेवा तो बहुत की और आपका आशीर्वाद लेना बनता है, आप आशीर्वाद स्वरूप मांगी क्या मांगते हैं, हम आपको वरदान देना चाहते हैं। तो यज्ञ में जो मंत्र पढ़ा जाना था वो मंत्र था, जयम त्वम देवी चामुंडी जय भूतार्ती हारिणी जय सर्वगते देवी काल रात्रि नमोस्तुते। भूतार्ती हारिणी का अर्थ है सभी प्राणियों की पीड़ा हरने वाली। हनुमान जी ने ऋषियों से कहा कि आप सिर्फ एक काम कीजिए, इसमें भूतार्ती हारिणी जहां शब्द है अर्थात सभी प्राणियों के हरने वाली जहां शब्द है, वहां ह के स्थान पर आप कप पढ़ें। आप सिर्फ इतना ही कर दें, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। विद्वानों ने प्रेमवश इतना विचार नहीं किया, उन्होंने तुरंत ही हाँ कर दिया, बोले तथास्तु, जाइए जैसा आप चाहते हैं महाशय वैसा ही होगा। विद्वानों के ऐसा सुनते ही श्री हनुमान जी प्रसन्न चित्त वहाँ से चल दिए। अब हुआ ये कि उस मंत्र को उन्होंने पढ़ा भूतार्ती हारिणी की बजाय भूतार्ती कारिणी, वहाँ से क हो गया। अब वो वहाँ चैन से तो बैठे नहीं हनुमान जी, वहाँ से सीधे श्री राम जी के पास पहुँच गए और विनम्रता पूर्वक उनसे कहा, प्रभु हमारे युद्ध कौशल के आगे रावण की समस्त सेना का विध्वंस हो चुका है, हमारी राजनीति और आपके आशीर्वाद, यानी कि हमने जो भी युक्तियां लगाई हैं जिस प्रकार से जीतने के लिए सेनाएं प्रबंध करती हैं आपस में, और उस प्रकार से हमने ये किया है आपके आशीर्वाद से, यानी कि आपकी सीख के द्वारा, और उसका अत्यधिक अहित हो चुका है। तो फिर भी मेरे मन में एक शंका है। तो श्री राम जी बोले क्या शंका है? तो देखिए प्रभु, रावण अभी जीवित है और वह हमारा प्रबल शत्रु है, उसकी नाभि में अमृत कुंड है, उसी के कारण वह हमेशा चिर यौवन सा जीवन जीता है, उसकी मृत्यु भी रुक गई है। तो उन्होंने कहा कि वह विजय प्राप्त करना चाह रहा है, अब किसी भी प्रकार से वो घोर युद्ध करना चाह रहा है, वो चाह रहा है कि या तो मेरा अंत शीघ्र हो जाए या फिर मैं जीत जाऊं किसी भी प्रकार से, जबकि वो जानता है ऐसा होगा नहीं। तो वो घायल सिंह की भांति चंडी यज्ञ कर रहा है। तब राम जी ने कहा कि क्या सोच रहे हो, क्या करना क्या चाहते हो, क्या शंका किस बात की है, यह सब तो हम भी जानते हैं। तो उन्होंने कहा, प्रभु आपके आशीर्वाद से मुझे ऐसा लगता है कि बचपन में शिक्षा प्राप्त करने के दौरान एक महा तेजस्वी साधना
पद्धति मेरे गुरु सूर्यदेव ने मुझे सिखाई थी। वो साधना भुवनेश्वरी भगवती के नाम से विख्यात है। तो उसको करने से साधक जो है वो अजय हो जाता है और समस्त त्रिलोक का सुख उसके समक्ष आकर के टिक जाता है। तो हनुमान जी बोले, जिस क्षण ये साधना संपन्न होती है उसी क्षण से शत्रु काल के सुपुत्र हो जाता है। आप नवरात्रि के अनुष्ठान तो कर ही रहे हैं, हे प्रभु आपके लिए क्या असंभव, आपके तो आह्वान मात्र से समस्त देवी देवता आपके चरणों में शीश झुकाए रहते हैं। फिर भी मेरी इच्छा है प्रभु कि आप इस आराधना साधना को अवश्य करें। तब हनुमान जी के कहने पर श्री राम जी ने भुवनेश्वरी साधना भी की और ये दश महाविद्या सिद्धियों के अंतर्गत ये कथा सम्मिलित की जाती है भुवनेश्वरी साधना विद्या में। तो मेरा ये उद्देश्य नहीं था कि मैं आपको साधना के बारे में बताऊं या उसके फलश्रुति के बारे में बताऊं। मेरा मकसद जो था, उद्देश्य जो था, वो ये है कि यहाँ आपने ध्यान दिया होगा कि बीच में जो बात आई थी भूतार्ति हारिणी पीड़ा को हरने वाली, वहाँ पर हनुमान जी ने एक शब्द का उच्चारण बदलने के लिए आचार्यों से अनुरोध किया और उन्होंने अपने वचन में बंध करके उस चीज़ को मान लिया। भूतार्थी हारिणी पीड़ा हरने वाली का अर्थ वहाँ पर क उच्चारण आने से भूतार्थी कारिणी हो गया, यानी पीड़ा करने वाली हो गया और वो रावण को पीड़ा कर गई। तो यही चीज़ें हैं कि यहाँ आपने देखा गलत उच्चारण का दंड मिला है और उस कथा में आपने देखा था कि गलत उच्चारण से उसको आशीर्वाद मिला है। अब हम इसके ऊपर एक क्लियर करने के लिए तीसरी वीडियो भी बनाएंगे और उसमें इस दोनों कारणों का उत्तर देंगे, समझाने का प्रयास करेंगे कि दोनों में ही मंत्र गलत उच्चारण हुए हैं लेकिन दोनों में ही फलश्रुति अलग अलग प्राप्त हुई है, फल अलग प्राप्त हुए हैं। हम सभी जानते हैं कि क्या फल प्राप्त हुए थे राम रावण के युद्ध में और उत्तत की कथा तो हमने आपको बता ही दी जो कि देवी भागवत का एक अंश थी सामने है। और दोनों ही कथाओं में गलत मंत्रोच्चार का फल भी अलग अलग प्राप्त हुआ है। तो इसी का समाधान लेके अगली वीडियो हम प्रस्तुत करेंगे। इसी के साथ जय मोरेश्वरी बोल बम।